चुनाव आते आते भाजपा जातिगत जनगणना की बात कर देगी, हो सके तो आश्वासन दे दें। भाजपा के प्रोपेगेंडा में आगे है, उनके मुख्यमंत्री सदन में भी झूठ कह गए। जब 46 लोगों की सूची पूछी गई तो वो कभी जारी नहीं हुई। आने वाले समय समय में लड़ाई मजबूत होगी और भाजपा को हटाएंगे। देवरिया की घटना के बाद 20 अधिकारियों पर कार्यवाही हुई। ये मुख्यमंत्री पहले जाग गए होते तो ये घटना ना होती। सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी कोई है तो वो भाजपा है। अयोध्या, बनारस और लखनऊ, कानपुर की रजिस्ट्री चेक कर लीजिए। कानपुर में किसान से जमीन खरीदी चेक दिया, वापस ले लिया, चेक फाट दिया, किसान रोता रहा, उसने आत्महत्या कर ली। दोनों डीसीएम उसे बचा रहे हैं। प्रदेश में एक घटना नहीं है, कोई कस्बा गांव नहीं जहां अन्याय न हुआ हो। जनता अब समीक्षा करेगा 10 साल में क्या हुआ। बीजेपी के पास जवाब है क्या 2000 के नोट छापे और बंद कर दिए। गोरखपुर में ये नशीला पदार्थ कहां जा रहा था, आ रहा था, पक्का डीट लिया, लेकिन जा कहां रहा था। सर्दियां आ रही थी इसलिए जा रहा था, इसकी समीक्षा कब होगी। अखिलेश यादव, ब्रजेश पाठक के सर्वेंट वाले मामले पर बयान। पाठक को गवर्नमेंट सर्वेंट कह दिया तो क्या गलत किया उन्हें, बताना चाहिए। ताला कैसे लगा, कभी ऐसा नहीं होता कि ताला लगे पुलिस लगा दी, अधिकारी बुला दिए। ये किस संविधान में है, सरकार बताएगी क्या। किसी अस्पताल में जाए इलाज नहीं हो रहा। सरकार 1 ट्रिलियन की बात कर रही, डेंगू से गरीब को नहीं बचा पा रहे। निषाद कश्यप, बिंदु, कहा केवट और मल्ला समाज के हमारे सभी नेता भाई प्यार करने जो मंच पर है और बड़ी संख्या में जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता जो हमारे सामने बैठे हैं। यहाँ जितने हमारे साथी आए हैं उन सबकी यही भावना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके समाज को धोखा दिया। न केवल उनको समाज को धोखा मिला है बल्कि खासकर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को साथ ही बड़े पैमाने पर धोखा हुआ है। जिस तरीके से बिहार में एक जाति को लेकर के न जाने कितने सरकार को, वहां की पॉलिटिकल पार्टी को कई मौकों पर सामना करना पड़ा और ये जो जाति जनगणना की बात है कोई नई नहीं है, सरकार है जिम्मेदार। और अब समीक्षा क्यों, अब तो चुनाव होगा, ये जनता समीक्षा करेगी तुमने 5 साल 6 साल क्या काम किया है। जनता समीक्षा करेगी ने 10 साल की, जिन्होंने नोट चलाए और बंद कर दिए। क्या बीजेपी के पास सवाल का जवाब है कि 2000 रुपए छापे गए और 2000 रुपए बंद कर दिए। क्या ये मुद्दा नहीं है, क्या जनता समीक्षा नहीं करेगी। नोटबंदी के बहाने आपने किसको लाभ पहुंचाया, 2000 रुपए छापे 2000 बंद कर दिए। आखिर क्या क्या कमी थी जो छूट गई थी आपसे, सुनने में आया है कोई नशीले पदार्थ गोरखपुर में पकड़े गए, कोई दरोगा, कितने किलो पकड़ा गया है। कई किलो पकड़ा गया है, सवाल ये पकड़ा गया कहां से आ रहा था, आखिरकार ये नशीले पदार्थ जा कहां रहा था, गोरखपुर में कहां जा रहा था, इसकी समीक्षा कब होगी। आ रहा तो पकड़ लिया आपने, लेकिन जा कहां रहा था ये। और सर्दी आ रही है इसलिए ज्यादा जा रहा था, तो इसकी समीक्षा कब होगी। और फिर बताओ बिजली आई नहीं रही है, बिजली है ही नहीं गांव में, 4 घंटा 6 घंटा मिल जाए बहुत मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 24 घंटे मिली दे रहे गांव में, 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, 24 घंटे सांड घूम रहे हैं, कोई सड़क नहीं बची जहां सांड घूम रहे हो, बताइए 24 घंटे बिजली और कितना बिल देना पड़ रहा है।
बिजली का बिल और बिल तो बिल, साथ में नोटिस और FIR पूरे उत्तर प्रदेश में धान तैयार हो गया है, लगभग कुछ जगह कटना शुरू हो गया है। सरकार इस बात की समीक्षा नहीं कर रही है कि धान भी खरीदना है किसान को, कहीं भी अभी तक इस सरकार ने धान खरीदने का किसान का एक भी जगह इंतजाम नहीं किया। अगर कहीं किया हो तो बता दो सरकार ने इंतजाम किया। धान नहीं खरीदने की इच्छा है सरकार की। सर्विंग ब्रजेश पाठक कर लिया अपना नाम, पहले ये तो चेक कर लो, कुछ चलाते कुछ चलाते। देखिए अगर मैं कहूं कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं तो क्या गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है? गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, क्या गलत काम है? और फिर उन्हें तो ये कहना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि आखिरकार लोक नायक जयप्रकाश जी के नाम पर जो म्यूजियम बना है उस म्यूजियम पे ताला किसने लगवाया? कभी उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया होगा कि किसी महापुरुष के कार्यक्रम में अगर कोई शामिल होना चाहता है तो उस शामिल नहीं होने दिया जाए, ताला लगा दिया। न जाने कहां से सड़ी गली और बिल्कुल थर्ड क्लास टीन लगा दी, पुलिस लगा दी, अधिकारी बुला लिए कि आप माल्यार्पण न कर पाए। ये कौन से संविधान में है? ये किस सरकार ने कहना है? क्या सरकार इस बारे में बताएगी कुछ? और फिर छापा मारने वाले किसी अस्पताल में गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा। आप PSC, CSC, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज चले जाए, किसी गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा, न दवाई मिल रही है। आप, हम लोग राजधानी में रहते हैं, किसी अस्पताल में चले जाओ आप, अगर वहां पर दवाई मिल रही हो तो बता दें आप, इलाज हो रहा हो तो बता दें आप। और ये सरकार कह रही कि हम $1 trillion की इकोनॉमी बनाएंगे जो डेंगू जैसी बीमारी से गरीब को ना बचा पाए। डेंगू की बीमारी से गरीब को नहीं बचा पा रहे। आप पता करिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लोगों की जान जा रही है, वो मैं तस्वीरें नहीं दिखाना चाहता हूं, वो किस हालत में है इनका स्वास्थ्य विभाग।